सतना विधायक शंकरलाल तिवारी को पुलिस ने आखिरकार 20 वर्षों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। विधायक सहित जिले के 20 कांग्रेस और भाजपा के नेता न्यायालय से स्थायी रूप से फरार थे, जिनमें आज विधायक की गिरफ्तारी हुई। विधायक को न्यायालय में पेश किया गया और उन्हें 50,000 मुचलके पर जमानत भी मिल गई। मामला पुलिस थाने में घुस के पुलिस के साथ मारपीट का था, जो 20 साल पुराना था। एमपी न्यूज कास्ट से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। अपना 21/9/1996 की है। इसमें मुकेश गुप्ता नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इसमें इस शहर के जो जन नेता थे, इन्होंने ये आवाज़ रखी थी, पुलिस उस मामले को दबा रही थी। इन्होंने मांग रखा था कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। इसी बात पर विधायक जी भी वहाँ आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस को जब ये लगा कि मामला जो है तो आगे जा रहा है और निश्चित ही वो मामला वो दबाना चाहते थे, इसलिए पुलिस ने एक झूठा मुकदमा 353 पत्थरबाजी और जुलूस अवैध समूह का उन्होंने मुकदमा दायर किया, जिस संबंध में चालान वगैरह पेश हुआ था। उसके बाद विधायक जी का इसमें जो वारंट हुआ था उसमें वो हाजिर हुए और आज जमानत की कार्रवाई चल रही है।